Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 10, chapter name, our environment and pollution. Student, in this chapter on previous day, we had studied about soil pollution and preventive measures of soil pollution. Students, now we are going to study how you can help the environment. How you can help the environment. Students, in this topic we will study about how can we help the environment, how can we save our environment, how can we keep our environment clean, neat and clean. Okay, we can contribute to save the earth and property of the environment. To do, we must act responsibly, and make the right choice. Here some ways are given below, and now by going to tell you, students, this is our moral duty. We have to save our earth. We have to keep it fresh and clean. Okay, now I'm going to tell you some ways by which you can save our environment. Student, अभी मैं आपको कुछ ways बताने जा रही हूँ, कुछ तरीके बताने जा रही हूँ, जिसको follow करके आप अपने environment को polluted होने से बचा सकते हैं, उसको save रख सकते हैं. Okay, student, तो firstly use public transport. Whenever possible, traveling by metro or school bus is green way of living. Avoid to use personal vehicles less. By this you must use less fuel and cause less pollution. Students, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए जहाँ पॉसिबल हो. ठीक है, अब एज ए फैशन, फैशन के लिए क्या है, आज एक फैशन का होड़ है और इसमें लोग क्या है, पर्सनल गाड़ी से इधर उधर जाना, मतलब क्या है, कहते कि मतलब पर्सनल गाड़ी से जाएंगे. तो इससे हो क्या रहा है कि ये आपकी एक थिंकिंग नहीं है, मोस्ट ऑफ लोगों को, 99% लोगों की ये थिंकिंग है. कि जिनके पास पर्सनल व्हीकल अवेलेबल है वो मोस्ट ऑफ जगहों पे पर्सनल व्हीकल से ही जाना पसंद करते हैं. इससे होता क्या है, एक तो पेट्रोल और डीजल वेस्ट होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इसको फिर से बनाया नहीं जा सकता है. ठीक है, ये लिमिटेड है हमारे पास, और ज्यादा खर्च करेंगे तो खत्म. ऐसे देख रहे हैं कम होते जा रहा है, और पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है, आसमान छूते जा रहा है. इसका एक मेन कॉज है कि ज्यादा से ज्यादा उसका यूज. दूसरा क्या है, जितनी गाड़ियां चलेंगी उतना पॉल्यूशन फैलेगा. ठीक है, अब बच्चों को स्कूल बस से ही भेजे, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से भेजने से बचें. ये मेथड है जिससे आप अपने अर्थ को सेफ रख सकते हैं, उसे पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, यूज पेपर और जूट बैग्स इनस्टेड. हमें पेपर बैग का यूज करना चाहिए, पॉलीथीन का यूज, प्लास्टिक का यूज बंद करना होगा, तब भी हम सॉइल पॉल्यूशन पे कंट्रोल पा सकते हैं. इसी एयर पोल्यूशन भी फैलता है, अब तो ये क्या होता है, इसका डिकम्पोजिंग होता नहीं है तो क्या है, उसको जला दिया जाता है बहुत ज्यादा जब कचरा हो जाता है प्लास्टिक और पॉलिथीन. और प्लास्टिक के चलने से बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, रिलीज होती हैं, एयर पोल्यूशन को फैलाता है ये. ठीक है, यूज साइकिल टू गो टू शॉर्ट डिस्टेंसेस और स्टिल बेटर वॉक. हमें ये पॉसिबल हो जाए जितना, हमें क्या करना होगा, साइकिल का यूज करना होगा,
या पैदल चलने की कोशिश करनी होगी जहां क्या है पॉसिबल है. सेल ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स टू कबाड़ी वाला फॉर रिसाइकलिंग एंड रीयूज. अब देखिए हमारे पास जो ओल्ड पेपर्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, उसको हमें कबाड़ी वाला को सेल कर देना चाहिए ताकि उसका क्या हो जाए, रिसाइकलिंग हो जाए. ठीक है. यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड इफिशियंट CFL बल्ब. यू मस्ट बी सेविंग ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव रखने के CFL बल्ब का यूज करना चाहिए क्योंकि ये इसमें क्या है वो कम इलेक्ट्रिसिटी को लेता है. ठीक है. वोल्टेज कम लगता है उसमें. डू नॉट लिटर योर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट डिस्पोज गार्बेज प्रॉपर्टी. ठीक है. डू नॉट लिटर योर एनवायरनमेंट और डिस्पोज गार्बेज प्रॉपर्टी. गार्बेज प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहिए. ठीक है. यूज CNG व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन. और CNG व्हीकल्स का यूज करना चाहिए. ठीक है. कंजर्व यूज सॉरी इलेक्ट्रिसिटी LPG पेट्रोल एंड ETC वाइसली. वी कैन ऑल्सो से डैट वी सेव रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. एंड प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज एट